रिश्वत के मामले में कोटा जेल में बंद बारा के पूर्व जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव की राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए जमानत दे दी है। जयपुर एसीबी ने 23 दिसंबर 2020 को बारा में कलेक्टर रहते हुए इंद्र सिंह राव को पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने के एवज में महावीर नगर के मार्फत 1,40,000 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद इंद्र सिंह राव की हाईकोर्ट में जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था। इस मामले में इंद्र सिंह राव के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने को आधार बनाकर उनके वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इस पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव को जमानत पर जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं।